हे गाइस, समझते हैं कि हम जो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीबी व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया ही होंगे। तो बस आज मैं नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, तो बस जस्ट मैं अभी निकल ही वाला हूँ। अहमदाबाद में एक मीटिंग है मुझे, तो मीटिंग निपटाना है। तो बाद में एक दोस्त से भी मिलना है, उसका आज कॉल आया था, तो उसको भी जाके मिलेंगे अपने। एक दो काम है वो निपटाएंगे, एक दो ऑफिस से काम है वो निपटाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको रोड पे। टाटा। तो आप देखिए, तो कल रात को यहाँ पे बारिश हुई थी गांधीनगर में, बिन बुलाई बारिश। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि क्या होगा अभी आगे जाके, मतलब कि नेक्स्ट 50 ईयर में क्या होगा। अभी सर्दी का मौसम है लेकिन बारिश गिर रहा है, पता नहीं अभी कितने और टाइम अभी ये सब चलने वाला है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आप हम लोग ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही सारे हम लोग पेड़ पौधे काट देते हैं, वहाँ पर रास्ते बना देते हैं, बिल्डिंग बना देते हैं, तो फिर खाओगे क्या आप रास्ता? तो देखिए, और शाम को बारिश गिरी थी तो बाइक बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था। तो ये सबसे बड़ा कंटाला है मुझे आता है बाइक साफ़ करना। यार गंदा बाइक चलाने में मज़ा भी नहीं आता है। तो अभी फटाफट से बाइक साफ़ करेंगे और फिर निकलेंगे। चलिए आप भी। तो आज अहमदाबाद में माहौल देखिए, सूरत दादा निकले भी नहीं है यहाँ पे, बहुत ही कोजी कोजी एटमॉस्फियर है। तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा एटमॉस्फियर, ऐसा रोमांटिक एटमॉस्फियर है ये। बाकी तो बढ़िया सा है, आप देखिए यहाँ पे सूरत देवता निकले नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा। तो ठंड उतनी नहीं लग रही है लेकिन हवा काफ़ी चल रही है। तो देखिए सबने जैकेट वगैरह निकाल लिया है, तभी पता नहीं चल रहा है कि जैकेट पहने मतलब विंटर का स्वेटर निकाले या फिर रेनकोट निकाले, क्योंकि कल शाम को भी बारिश हुई है और दो तीन दिन और भी बारिश हो सकती है ऐसा बोला गया है। तो देखते हैं, चलिए मिलते हैं आपको। देखो आज हम लोग चारों के चारों, ऐसे संडे तो नहीं मिलते लेकिन आज आज कौन सा वार है, मंगलवार है। तो मंगलवार के दिन चारों के चारों मिल गए, सबका जॉब चालू है, सबने गुल्ली मारी है आज। मिलन भाई ने भी गुल्ली मारी, देवस्य भाई ने भी, और मैं तो अवेलेबल होता ही हूँ वैसे तो, मेरा बेटा खुद का है तो मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो ये वड़ा पाँव वाले भाई है, आप तो इनको जानते ही हो, वड़ा पाँव वाले भाई। तो वह कहीं कहूँ तो वह चार भेगा ख्याल तो कि खुराफाती करव पड़े। चलो चलो। तो अभी मैं फिलहाल एडिटिंग करने बैठा था तो देखा कि GoPro में से बहुत सारे वीडियो करप्ट हो चुके हैं। तो आज का दिन तो पूरा बेकार हो गया, मैंने जो भी अच्छा अच्छा शूट किया था एक दो चीज़ें वो तो आई ही नहीं है। तो कुछ वीडियो में मैं और डाल रहा हूँ। तो एक हमने प्रोडक्ट मंगवाया था अमेज़ोन से, तो वो मैं आज उसका भी वीडियो डालने वाला था, एक दो दिन बाद डालने वाला था क्योंकि पूरा डिटेल बताना चाहता था। तो वो वीडियो मैं आज रख रहा हूँ, उसका प्रोडक्ट रिव्यू मतलब कि मैं यूज़ करके कैसा लग रहा है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अच्छा प्रोडक्ट है। तो आज का वीडियो ऐसा ही रहेगा, क्या करें, GoPro है ही ऐसा बेकार। तो कल जो पार्सल आया था वो आज हम खोलने वाले हैं, तो देखते हैं कि किस तरह का प्रोडक्ट हमारी बीवी ने मंगवाया है। तो नहीं नहीं आप करो, आपने मंगवाया है तो। अनबॉक्सिंग बाय चारुल। तो रूम हीटर हमने मंगवाया है, छोटा सा रूम हीटर है। तो मायरा है ना, वो हमारे साथ बेड पे नहीं सोती है, वो उसको झूला ज्यादा पसंद है, तो वो झूले में सोती है तो फिर उसको जुकाम हो जाता है। तो इस तरह का कुछ प्रोडक्ट हम लोग ट्राई करेंगे, रूम हीटर है, तो देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है, आपको ज़रूर बताएंगे। अच्छा प्रोडक्ट दिख रहा है,
यहाँ से कुछ ठंडा गर्म करने के लिए होगा, एक केबल है और कुछ इस तरह का प्रोडक्ट है। अभी चालू भी करते हैं, बाद में भी दिखाता हूँ आपको। ऐसा रखना पड़ेगा। हैंडी तो है लेकिन कैसा परफॉर्म करता है वो भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लाओ, यहाँ पे लगाओ, बस चालू करके दिखाओ हमारे व्यूअर्स को। नहीं नहीं भाई, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, हमारे खुद ने ही लिया है। लाइए मैं लग, हाँ केबल थोड़ा छोटा लग रहा है हमको अभी से ही। ओ नो, सीधा गरम गरम हवा शुरू ही हो गया है। हाँ वो आपको जो करना है करना, इससे यहीं से सेटिंग भी है, थोड़ा कम होगा शायद, इस तरह का है, देखते हैं। ओके कम हुआ। और यहाँ पे बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं होता है, यहाँ पे एक पंखा होता है, यहाँ पे इससे यहाँ पे ठंडी हवा अंदर लेता है रूम की और यहाँ से गर्म हवा बाहर निकालता है। यहाँ पे अंदर आप देख रहे हो जो कॉइल है एल्यूमिनियम का, वो गर्म होता है, जैसे भी गर्म पानी के लिए कैसे गर्म होता है वो, तो वो ठंडी हवा वो कॉइल के पास होगी इसलिए गर्म होके आएगी। ऐसा मैं घर पर भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास ऐसा प्रोडक्ट मतलब इसका सामान लाना पड़ेगा ना। तो बस डिनर वगैरह ख़त्म हो गया है, तो बस आज की वीडियो को भी यहीं ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, साथ में वो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले। मायरा तुम भी करो, सब्सक्राइब कर दो, कॉमेंट करो। तो मायरा अभी मेरे पास है, वो खेल रही है, वो अपने हाथों से ही ज़्यादातर खेलती रहती है और थोड़ा बहुत हमारे साथ भी खेलती है। तो बस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल एडीपी ब्लॉग्स को। तो चलिए मिलते रहेंगे, टाटा, मेरा बाय, बोल दो बाय 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 बाय।